الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. पिछले जुम्मे में गुज़िश्ता जुम्मे इसी आयत के ऊपर बात हुई थी, लेकिन इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी इंसान की बशरी बीमारियों का और गुनाहों के बहुत से गुनाहों का इलाज अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया, लिहाजा इसीलिए इस जुम्मे को भी यही आयत मैंने दोबारा तिलावत की, ताकि जो हमारे अंदर गुनाह है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अन्फुसकुम, ए ईमान वालों तुम्हारे नफ्सों पर लाजिम है कि अपने नफ्स की हमेशा देखभाल करो, अपने नफ्सों को हमेशा देखते रहो, कहीं तुम्हारे दिल के अंदर रिया ना आ जाए, कहीं तुम्हारे दिल के अंदर तकब्बुर ना आ जाए, कहीं तुम्हारे दिल के अंदर हसद ना आ जाए, कहीं तुम्हारे दिल के अंदर बोझ ना आ जाए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के दिल को तबाह कर देने वाली हैं। दादा ने इरशाद फरमाया कि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, लेकिन अगर ड्राइवर उसका अच्छा नहीं है, जिसका ब्रेक के ऊपर पाँव सही तरीके से रखने का उसको तरीका ना आता हो, तो फरमाया उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। जब तक उसको रास्ता सीधा मिलेगा तो वो सीधा चलेगा, लेकिन जहाँ चौक और चौराहा आएगा, फरमाया ब्रेक नहीं लगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद एक्सीडेंट लाजिम है। तो फरमाया अपनी बीमारियों का इलाज करो, अपनी बीमारियों की तरफ मुतवज्जे रहो, जो बीमारियाँ हैं अल्लाह वालों को बताकर उसका इलाज लेते रहो। इंसान मामूली आजकल जैसे मौसम है, किसी को बुखार चल रहा है, किसी को नजला चल रहा है, तो आदमी क्या सोचता है, फौरन जाता है जाकर के डॉक्टर से नजले की दवाई ले आया, फिर बुखार की दवाई ले आया। क्यों? फरमाया इसलिए कि जान प्यारी है। तो फरमाया इसी तरीके से अपने ईमान के ऊपर भी नज़र रखो, अपने ईमान के ऊपर भी नज़र रखो। कोई भी बीमारी हो, फौरन अपने शेख को मुतले करो कि मेरे अंदर ये बीमारी है, इसका इलाज क्या है। शेख इलाज बताएगा, उसका इलाज बताने से इंशाल्लाह जल्द अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा अता फरमाएंगे। वही पर्चे अपने पास रख लें, फिर बयान के बाद दे दिए अगर इकट्ठी बड़े पास इधर आ जाए, इस तरफ बड़े पास आज इस तरफ आ जाए। ये मेरे बड़े अब्बा भी है, मेरे ससुर भी हिंदुस्तान से तशरीफ लाए। तो इंसान अपने नफ्स का जब तक ख्याल नहीं करेगा, अपने नफ्स के ऊपर नजर नहीं रखेगा, उस वक्त तक कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर दिल के अंदर मामूली सा रुजब और किब्र आ गया तो गया इंसान, हलाक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर जिक्र फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, एक शख्स ने पूछा, है मूसा क्या आपसे ज्यादा भी कोई जानने वाला शख्स है? फरमाया नहीं। उसी वक्त वही नाजिल हुई कि है मूसा जा समंदर के अंदर, समंदर के किनारे फला जगह जब पहुँचेगा, वहाँ तुझे मेरा एक बंदा मिलेगा जो तुझसे ज्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नबी होने के बाद भी अल्लाह ताला उनको भेज रहे हैं कि आप जाइए समंदर के किनारे,
वहाँ एक शख्स आपको मिलेगा वो आपसे ज्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबियों का नबी नबूवत के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम को कैसे टाल सकते थे? तशरीफ ले गए, देखा एक शख्स बैठा हुआ है मुंह छुपा करके, पूछा आप कौन है? फरमाया तुम्हारा नाम मूसा है? कहा जी। फरमाया तुमने क्या कहा था? कि मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है, लेकिन इल्म तकवीनी में अल्लाह ताला ने मुझे तुमसे आला दर्जा अता फरमाया। फरमाया आप कौन है? फरमाया मेरा नाम खिजर है, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। तो फरमाया कि आप मेरे साथ सफर पर चलें, लेकिन कि जो काम भी मैं करूं उस काम के बारे में आप कभी सवाल मत कीजिएगा मुझसे, सब्र कीजिएगा। लेकिन नबूवत का नबी का कमाल क्या था, नबी का दर्जा, कि नबी का काम है कि कोई नकीर हो रही हो तो उसके ऊपर रोक टोक करना नबूवत का दर्जा था, और सब्र सिखाना ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिम्मे था। लिहाजा किश्ती रोकी, एक किश्ती के अंदर सवार हो गए। जब सवार हुए तो सवार होने के बाद जब कुछ दूर किश्ती चली तो चलने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस किश्ती का जो तख्ता था वो उठा के तोड़ दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपने क्या किया कि हमें इस बेचारे ने जो किश्ती चलाने वाला है इसने हमें मुफ्त के अंदर बिठाया और आपने इसी का नुकसान कर दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझसे ना कहता था कि सब्र नहीं कर सकता तू? तो मैं अच्छा अब नहीं बोलूंगा, अब आपकी जो चीज जाए आप करें। तो मैं अच्छा चलो। कुछ दूर और गए, वहाँ किश्ती से उतरे। किश्ती से उतरने के बाद एक शहर से जा रहे थे, एक शहर के पास गए, वहाँ के लोगों से कहा कि हमारी खिदमत करो, उन्होंने इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर गुस्सा भी ऐसे ही था, फरमाया जा हम ही नहीं देखते तुम्हारी तरफ, आ गए शहर से बाहर। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने निकलते हुए देखा कि एक दीवार थोड़ी सी टेढ़ी है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया। जब सीधा किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो इन्होंने खाना नहीं दिया, दूसरा आप इनकी दीवार भी सीधी कर रहे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि सब्र करो, सब्र के साथ चलो। पहले का जवाब दादा ने यह इरशाद फरमाया कि जब वो तख्ता उखेड़ा था तो उसका जवाब ये था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क्योंकि जिस रास्ते से ये किश्ती गुजरेगी उस रास्ते में जो बादशाह है वो इतना जालिम है कि जो नई किश्ती देखता है उसको हड़प लेता है, मतलब हमारे यहाँ के हुक्मरान जैसे थे। कि जो नई चीज देखी उसको हड़प लिया। तो कहा मैंने इसलिए इसको ऐबदार बना दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिल आ जाए इसके ऊपर और वो इस किश्ती को भी जब्त कर ले। और जो दीवार टेढ़ी थी उसको सीधा किया। तो फरमाया कि वह मलजिदार फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति वकान तहतहु कंज़ लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा, कि जो दीवार टेढ़ी थी वो दो यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उनका क्या था, खजाना दफन था। वकान अबूहुमा सालिहा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने उनके बाप की निस्बत से उसको सीधा किया, उनके बाप की निस्बत से उसको सीधा किया। तो दादा हज़रत अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो पहला बाप नहीं था, वकान अबू लहू तासिर, ये इनका नवा बाप था जिसकी निस्बत रखते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा। तो फरमाया कि जो अल्लाह के नेक वली बन जाते हैं
अल्लाह ताला न सिर्फ उनका ख्याल रखते हैं बल्कि उनकी औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, अल्लाह ताला भी निस्बत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला भी निस्बत का ख्याल रखते हैं। अभी एक साथी ने कहा कि जो उर्स वगैरह होते हैं मज़ारात के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये सब जायज है या नाजायज है। तो उर्स और ये तमाम चीजें नाजायज है ये, क्योंकि अगर उर्स मनाया जाता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उर्स सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक मनाते, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी उर्स नहीं मनाया। या जाकर कब्रों से मांगना कि हमें औलाद दे दे, उनके वसीले से मांगना तो जायज है, लेकिन उस कब्र वाले से मांगना ये नाजायज है। खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, मेरे मोहताज है पीरो पैगंबर, वो क्या है जो नहीं होता खुदा से, जिसे मांगता है तू औलिया से। अल्लाह ताला कहते हैं क्या ऊपर अल्लाह नीचे आप, नहीं ऊपर भी अल्लाह नीचे भी अल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको तो एक वसीला बनाया है। क्या मतलब, आज जितने मज़ारात आप देख लें, जितने मज़ारात हैं, उन जितने औलिया अल्लाह उसके अंदर मदफून है, उनकी किताबें उठा करके देख ले, उनकी जिंदगी उठा करके देख ले, उन्होंने खुद कभी वो काम नहीं किया जो काम आज उनकी खबरों के ऊपर हो रहा है। लोग सजदे कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं हर गुनाह माफ कर सकता हूँ लेकिन शिर्क को माफ नहीं कर सकता। आज शिर्क, बिदअत, ज़लालत, गुमराही, हर वो काम वहां हो रहा है जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। सजदा किया जा रहा है, गैरुल्लाह को सजदा करना जायज है? बोलो भाई, गैरुल्लाह को सजदा करना कहां से जायज होगा? लोग सजदे कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं कब्र का। अरे तवाफ अल्लाह के घर का है, तवाफ है किसी बुजुर्ग हस्ती, कितनी बुजुर्ग हस्ती हो उसके, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र का सवाब जायज नहीं है तो फिर बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग कितना ही बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, उसकी कब्र का सवाब कैसे जायज होगा? लेकिन क्या है, आज लोग कम इल्मी की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से लोगों ने इसको अपनी पेट के लिए एक मजार बना दिया। मजार बनाने के बाद वहां पर खुद क्या वली बन करके बैठ गए। अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया, चढ़ावे चढ़ना शुरू हो गए, तो अब माल आ रहा है, अब जो करे, जो जिसका जो जी चाहे करे, कोई फूल ला करके डाल रहा है। फूल डालने पर भी मैंने पहले भी कहा है कि कब्र के ऊपर फूल डालने से क्या होता है, अगर उसके अमाल अच्छे तो अल्लाह ताला जन्नत की, जन्नत का दरवाजा उस तक खोल देंगे। भाई अल-क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत हदीस है या नहीं है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, अगर वो नेक अमल करके गया तो उसके लिए तो जन्नत का दरवाजा खुल गया। और जन्नत के अंदर जो फूल है उसकी जो खुशबू है वो दुनिया में मिल सकती है, मिलेगी दुनिया के अंदर, तो उसको जन्नत की खुशबू मिल रही है, फिर भी क्या कहते हैं नहीं नहीं गुलाब की पत्ती छिड़कना ये जरूरी है। अरे ये बिदात कहाँ से आई, कब्र के अंदर आपके गुलाब डाल रहे हैं। अल्लाह के बंदे, अगर उसका अमल नेक है तो उसको आपके गुलाब की जरूरत नहीं, उसको आपके फूलों की जरूरत नहीं, और अगर वो बदअमल है तो आपके गुलाब के फूल और आपके गुलाब से उसको खुशबू आने वाली नहीं है। कितना भी उसके ऊपर आपके गुलाब डाल दे, कितने भी गुलाब की पत्तियां उसके ऊपर डाल दे, लेकिन वो अगर उस नाफरमान होकर के गया दुनिया से, कुफर और शिर्क के अंदर मुब्तला होकर के गया, तो उसको कोई गुलाब की पत्ती का काम नहीं देगी। बस अपने दिल से निकाल लिया कि नहीं डाल देनी चाहिए। बाद लोग कब्र के ऊपर क्या करते हैं, जब जा रहे हैं निकलने लगते हैं तो एक टहनी तोड़ करके सब घोष के ऊपर गाड़ देते हैं। भाई ये क्यों डाली, ये टहनी क्यों लगाई? कहते हैं सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी।
अल्लाह के बंदे हदीस पूरी समझ या किसी आलिम से पूछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित तो है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब उस कब्र के पास से गुजरे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बजरिया वही चला दी गई कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वो एक टहनी तोड़ी और वो उस कब्र के ऊपर लगा दी और फरमाया जब तक ये सरसब्ज है उस वक्त तक अल्लाह ताला इसके अजाब के अंदर तफ्तीश कर देंगे। तो क्या हमें इल्म है कि इसको अजाब हो रहा है, फिर बदगुमानी क्यों करते हो भाई? अरे नेक गुमान रखो। क्या नेक गुमान रखो कि अल्लाह ताला इसको जन्नत का आला मकाम अता फरमाएंगे, इसके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। दुआ मांग करके जाते हो, वहाँ तो नबी का मामला था, आज उम्मत उसके अंदर लग गया, आज उसको मामूल बना लिया गया। और जो ना माने, जो ना बनाए, जो ना डंडी ना लगाए, जो गुलाब के फूल न छिड़के, जो आपके गुलाब न छिड़के, क्या कहते हैं, अरे ये तो जाहिल हो वहाबी, ये कैसा है? जनाजा जा रहा है उसके आगे आगे कुरान लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह के बंदे जिस शख्स ने जिंदगी भर कुरान नहीं पढ़ा, आज उसके मरने के बाद कुरान आगे लेकर के चलोगे तो कुरान क्या फायदा देगा? जिंदगी के अंदर जिसने कुरान के ऊपर अमल नहीं किया, कुरान से मोहब्बत नहीं की, कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान के ऊपर अमल नहीं किया, अब मरने के बाद उसके जनाजे के आगे आगे कुरान लेकर के जा रहे हैं, किस लिए? अरे ये शफात कराएगा, ये शफात उसकी कराएगा जो इसके ऊपर अमल करता है, ये शफात उसकी कराएगा जो इससे मोहब्बत करता है, ये शफात उसकी कराएगा जो इसके ऊपर अमल करता है, जिसने अमल ही नहीं किया जिंदगी भर। आप क्या समझते हैं, अरे थोड़े से उसके अंदर क्या होगा, सब काम हो जाएगा? ऐसी ऐसी बिदात हमारे माशरे के अंदर जन्म पा चुकी है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए कि इंसान कोई मर गया, किसी मदरसे में गए, अरे मौलाना साहब जरा 10 बच्चे दिएगा, भाई क्या करने, क्या करने, हमारे इंतकाल हो गया है, वो ये बच्चे जाकर कुरान पढ़ेंगे और उसको बख्श देंगे। तो अल्लाह के बंदे तेरा बाप मरा है, तेरा भाई मरा है, तू खुद क्यों नहीं पढ़ता कुरान? जवाब है भाई खुद पढ़ो, और अगर नहीं आता आहिस्ता आहिस्ता पढ़ सकते हो, एक रुकू पढ़ोगे। देखो जब आपका वालिद बीमार होता है तो आप जाकर कि किसी और से जो दर्द आपको होगा वो दूसरे को होगा? बोलो भाई, वालिद है, भाई है या कोई और रिश्तेदार है अज़ा अक़रबा में से, अगर वो बीमार हो गया तो जो दर्द आपको है वो दर्द किसी और को होगा? तो दूसरे का एक कुरान पढ़ देना और आपका एक रुकू पढ़ देना उसके लिए बहुत ऊंचा दर्जा है, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है उसको तो आप लालच देकर के लाए कि मौलाना मैं इसको खाना भी खिलाऊंगा और बिरयानी की देख भी पका करके खिलाऊंगा और कुछ नकद भी दूंगा, तो वो क्या करता है, वो भी उंगलियां फेरता रहता है, वो कहता है मुझे क्या जरूरत है, उसने भी उंगली मेरी कुरान उस बंद किए छुपा और चल दिया, कहा जिसका बाप है उसको फिक्र नहीं तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है, जिसका बाप है उसको फिक्र करने की, उसको फिक्र नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है फिक्र करने की। नया घर ले लिया, अब घर लेने के बाद क्या कहते हैं, मौलाना जरा से बच्चे मिल जाएंगे भाई क्या करोगे, जरा कुरान खानी करानी है, जरा से कुरान खानी करानी है, अब कुरान खानी करवा ली, अब उसी घर के अंदर टीवी भी चल रहा है, उसी घर के अंदर बेपर्दगी भी हो रही है, उसी घर के अंदर झूठ भी बोला जा रहा है, सूद के ऊपर हासिल किया गया घर, उसके अंदर 1,00,000 कुरान पढ़ लिया जाए तो भी उसकी नहुसत नहीं जाएगी। आज क्या किया गया, कुरान करीम को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक इस तरह बना लिया गया, जब मकानात बनाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे वो ड्रम किराए के ऊपर ले आओ जब काम हो जाएगा वापस कर देना, वो तख्ते किराए पर ले आओ जब काम हो जाए तो वापस कर देना। आज नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक उम्मत ने कुरान करीम के साथ ये मामला शुरू कर दिया, ये खुद पढ़ने की चीज थी,
अगर खुद इसीलिए दादा क्या फरमाते हैं, दादा ने फरमाया कि अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो 10 मिनट किसी कारी के पास जाकर के बैठ जाओ, रोजाना 10 मिनट पढ़ो। फरमाया एक महीने के अंदर तुम्हारा कुरान सही हो जाएगा। जब कुरान सही हो जाएगा फिर जब कोई मरेगा, जब कोई अपना जाएगा तो फिर खुद कुरान पढ़ो। इसीलिए हदीस पाक के अंदर क्या आता है कि जब मुर्दा मर जाए तो मरने के बाद जब सब लोग चले जाए तो उसका जो करीबी अजीज है, चंद करीबी अजीजों को चाहिए कि कब्र के पास खड़े हो जाए और उसके लिए दुआ करते रहे और कुरान करीम पढ़ते रहे कि अल्लाह इसकी मंजिलें आगे आने वाली आसान फरमा। आज क्या करते हैं, सबसे पहले करीबी अजीज में करते हैं, कहते हैं मौलाना जरा आप दुआ करा दीजिए, वो दुआ हो गई। अब सबसे पहले कौन निकलेगा, जो करीबी है वो सबसे पहले निकलेगा। क्या हाल होगा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आज भाग रहे हो उस कब्रिस्तान से, अल्लाह ताला फरमाते हैं एक दिन इसी के अंदर लिटाऊंगा तुम्हें, एक दिन इसी की तरफ लौटाए आओगे। फिर भाग नहीं सकोगे, फिर भाग नहीं सकेगा इंसान। लिहाजा इसी दुनिया के अंदर कम से कम दोस्तों कुरान करीम की तस्हीह तो कर ले, इतना तो कर ले कि 3 दफा कुल अल्लाह पढ़कर अपने माँ बाप को, अपने अइज्जा अकरबा को, अपने मुसलमान भाइयों को, तमाम अंबिया को, तमाम सालिहीन को। दादा ने एक दफा इरशाद फरमाया, फरमाया सुबह शाम के जो मामूलात हैं, फरमाया जो मैं पढ़ता हूँ, फरमाया उसका सवाब मैं अपने वालदेन को, अपने शेख को, जितने औलिया है उनको, जितने अंबिया है उनको, जितने गौस कुतुब अब्दाल है उनको, तमाम के नाम के कह देता हूँ कि अल्लाह इसका सवाब उन सब को पहुँचा दे। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप अगर रोजाना किसी शख्स को हदिया दे रहे हैं, रोजाना 10 रुपए हदिया दे रहे हैं, तो वो शख्स और उसने आपको देखा नहीं, आपने भी उसको नहीं देखा, आप डाक के जरिए उसको हदिया भिजवा देते हैं, वो भी सोचता है यार ये कौन बंदा है जो मुझे हदिया भिजवाता है। एक दफा मौलाना यूनुस पटेल साहब जिनका इंतकाल हो गया साउथ अफ्रीका डरबन के अंदर, दादा के खलीफा थे, उन्होंने एक दफा यूनियन के सफर में दादा से फरमाया कि ख्वाब देखा और फरमाया कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीम अख्तर से जाकर के कहो कि जो चीज़ वो मुझे हदिया भेजता था रोजाना, आजकल उसने वो हदिया भेजना क्यों बंद कर दिया। जो हदिया वो मुझे रोजाना भेजता था वो हदिया भेजना क्यों बंद कर दिया। मॉरिशस का सफर था तो दादा ने फरमाया कि मेरा मामूल ये रहा है, फरमाया कि उस सफर के अंदर इतना ज्यादा मैं मशगूल था कि मैं भूल गया था। फरमाया वरना मेरा मामूल ये था कि मैं कोई भी बयान करता तो ये दुआ करता कि अल्लाह इस बयान से जिस शख्स को हिदायत मिल जाए, या अल्लाह ये सबका जारिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना दीजिएगा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया नहीं पहुंचा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाना यूनुस पटेल साहब जो जिनका इंतकाल कहा हुआ मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जन्नतुल माला के अंदर तस्वीर हुई, अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि तवाफ किया, तवाफ करने के बाद आकर के बैठे, जमजम पिया, जमजम पीने के बाद थोड़ी कहा के अपने बेटे से मेरे दिल में जरा सी तकलीफ है। बेटे ने कहा मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ, इतनी देर में वही लेटे लेटे अल्लाह को प्यारे हो गए। तवाफ किया, जमजम पिया, अल्लाह ताला ने किस पाकीजा हालत के अंदर उठाया। तो दोस्तों कम से कम इतना तो कुरान करीम हमें आना चाहिए, इतना तो कुरान आए कि अपने प्यारों को हम बख सकें, दूसरों की मोहताजी ना हो। आज हम इतना भी कुरान नहीं थी पर सही पढ़ सकते और पढ़ना नहीं चाहते। दुनिया के मामलात हो तो सबसे आगे, मशवरा देना हो तो सबसे आगे,
दुनिया का लेन देन हो तो सबसे आगे, दुनिया के मामलात करने हो, हिसाब किताब करना हो तो जहर इतना तेज चलता है कि इंसान हैरान रह जाता है, लेकिन जब अल्लाह का मामला आता है तो इंसान का जहन कहाँ रह जाता है। मेरे शेख हजरत मौलाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या, अगर कोई शेखुल हदीस भी आता था तो हजरत फरमाते थे जाओ जाकर नूरानी कायदा दुरुस्त करो अपना। जब तक तुम्हारा कुरान दुरुस्त नहीं है, जब तक तुम्हारा कुरान दुरुस्त नहीं है तुम क्या करोगे। लिहाजा सबसे पहले हजरत सफी कुरान कराते थे, फरमाते थे अगर कुरान सही होगा तो इल्हानी से पढ़ोगे, मोहब्बत से पढ़ोगे, और जब मोहब्बत से पढ़ोगे तो ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी, और जब अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, और जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा तो असल दुनिया के अंदर आने का मकसद इंसान का ये कि अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो जाए। बड़े बड़े शेखुल हदीस आए, दादा तशरीफ ले गए, हजरत क्या चिल्ला लगाने, दादा से क्या फरमाया, फरमाया कि मकसद जाओ जाकर बच्चे जहाँ नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं जाकर के वहाँ नूरानी कायदा दुरुस्त करो अपना। हालांकि दादा ने ये नहीं फरमाया कि अगर मैं पहले पढ़ चुका हूँ, मेरा तो कोई नूरानी कायदा नहीं, कुराने करीब भी दुरुस्त है। फरमाया हजरत आपका हुक्म है, अभी चला गया। एक दिन हजरत कुछ तफसीर कर रहे थे तलबा के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर टाफी वगैरह तकसीम कर रहे थे तो दादा भी लाइन के अंदर लगकर आ गए, दादा भी लाइन में लगकर के आ गए तो हजरत ने फरमाया आप क्यों आए, फरमाया हजरत आपने ही तो भेजा है बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, तो जब इनको मिलेगा तो मैं क्यों महरूम रहूं। तो हजरत हंसने लगे। तो दोस्तों ये है चीज, असल चीज क्या है, अपने आप को मिटाना, अपने आप को मिटाना। जिसने अपने आप को मिटाया मन सवाब अल्लाह रफाउल्लाह, जिसने अपने आप को मिटाया अल्लाह ताला ने उसको हमेशा बुलंदी आता फरमाई। वमन तकब्बर वदाउल्लाह, और इनसे तकब्बुर इख्तियार किया अल्लाह ताला ने हमेशा उसको जलील और रुसवा फरमाया। मिटाना क्या है, ये हमारे अकाबरीन से सीखे इंसान। हमारे अकाबरीन ने अपने आप को किस तरह मिटाया, हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोली रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े शख्सियत थे, रास्ते में से जा रहे थे, जाते हुए देखा कि एक बूढ़ा शख्स है, भाई ये जो जगह खाली है बीच में पहले इसको पूर कर लो। नूर मोहम्मद साहब थोड़ा सा आगे आगे आ जाए। जब जगह हो तो आगे हो जाना चाहिए, क्या है और उसके अंदर नियत क्या करनी चाहिए कि अल्लाह जो बात है दीन की वो मेरे दिल के अंदर उतार दे। जब हिर्स और लालच होगी तो अल्लाह ताला मामला भी नियत के मुताबिक करते हैं। जो इंसान हिर्स और तमा करता है कि मेरे अंदर दीन आ जाए तो अल्लाह ताला मामला भी उसके साथ वही फरमाते हैं। कुरान में क्या फरमाया, इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो फ़फ़सहू, फौरन अपनी मजलिस के अंदर कुशादगी पैदा कर दो। दादा ने इसकी तशरीह क्या फरमाई, फरमाया जगह नहीं है लेकिन फिर भी कहा गया कि जगह पैदा करो, तो फरमाया अपनी जगह से हिलो फिर वहीं बैठ जाओ। फरमाया सवाब और हासिल करने का तरीका क्या है, फरमाया अपनी जगह से हिलो हिल के फिर बैठ जाओ। अल्लाह ताला इसके ऊपर भी अजर अता फरमाएंगे कि जगह नहीं थी फिर भी मेरा बंदा हिला। आगे इसका नतीजा क्या होगा, तफ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमा देंगे, यानी जितनी मुसीबतें अल्लाह ताला उन मुसीबतों से तुम्हारे लिए रास्ते निकाल देंगे। तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से जा रहे थे, देखा एक बड़े मियाँ पूरे ज़ईफ एक लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है, लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है और उठा नहीं पा रहे। तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अरे चचा ये मैं आपके घर पहुंचा देता हूँ। कहा बेटा जज़ाकअल्लाह, आजकल के इस दौर के अंदर कहाँ ऐसे लोग हैं
आजकल के इस दौर में ऐसे लोग कहाँ हैं? हजरत ने गट्टर उठाया, सर पर रखा और चल पड़े। तो आगे जाकर के उस बूढ़े ने कहा कि सुना है कि यहाँ गंगोह के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका नाम है शेख अब्दुल कुद्दूस। अरे भाई, क्या अल्लाह के वली है वो कि सारे हिंदुस्तान के अंदर उनके नाम का डंका पिटता है। हजरत ने फरमाया, जी होंगे कोई ना कोई, मैं नहीं, होंगे कोई ना कोई। ये कहकर चुपचाप चलते रहे रास्ते पर। जब घर गांव के करीब पहुंचे तो लोगों ने उससे पूछा कि जालिम, अरे तूने ये क्या किया? उसने कहा, क्या किया? कहा, ये वजन किससे उठवाया? कहा, अरे मैं खड़ा था रास्ते के अंदर, ये आ गए उठाकर। इन्होंने कहा कि मैं उठा लूं, मैंने उठवा लिया। कहा, जानते भी हो ये कौन है? कहा, नहीं। कहा, ये शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। कहा, हजरत आज तक तो सुना था, आज देख भी लिया। आज तक तो सुना था, आज देख भी लिया। और अजीब मामला था कि एक दफा हजरत अपने घर वालों के साथ बैलगाड़ी पर जा रहे हैं, अचानक डाकुओं ने रोक लिया, चोरों ने रोक लिया और कहा कि जितना सोना और जेवरात है वो सब का सब हमारे हवाले कर दो। हजरत ने फरमाया कि मैं एक एक चीज हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरे घर वालों की बेहरमती नहीं होनी चाहिए, आप औरतों के सामने नहीं जाएंगे, मैं खुद ला करके आपको दे दूंगा। हजरत गए वहां, औरतों से सारा जेवर लिया, लेकर के आए और ला करके उन डाकुओं के हाथ में दे दिया। दे करके हजरत आगे चल पड़े तो पीछे से किसी बच्ची के हंसने की आवाज आई। तो हजरत ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? उसने कहा, मेरे पास एक कान की बाली थी जो मैंने छुपा ली, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, जो मेरे कान की बाली बच गई। हजरत ने उसी वक्त गाड़ी रुकवाई और वापस मुड़वाई। तो वो डाकू थे, वो तो जा रहे थे रास्ते से, जब उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी दोबारा वापस आ रही है तो उन्होंने कहा, ऐसा ना हो कि दोबारा हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो वो तैयार हो गए। तो हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने करीब जाकर के क्या कहा? फरमाया, मैं हमला करने के लिए नहीं आया, ये मेरे घर की एक बच्ची ने अपनी गैर जिम्मेदारी से ये कान की बाली छुपा ली थी, ये मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, अरे आप नाम पूछ कर क्या करेंगे, आपका जो काम था वो हो गया। कहा, नहीं, आप नाम बताइए। कहा, मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है। फरमाया, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई? फरमाया, जी। फरमाया, अब्दुल गंगोह के अंदर है एक ही ऐसा शख्स है, गंगोह में ऐसा एक ही शख्स है कि जो अपनी अमानत के अंदर कभी खयानत नहीं कर सकता, जो जबान देगा उसको जरूर पूरा करेगा। तो दोस्तों, या हमारे अकाबिरीन, ये अल्लाह वाले, इन्होंने किस तरीके से जिंदगी गुजारी, किस तरीके से क्या किया, आज उन्हीं के मजारात पर आकर के, उन्हीं के मजारात के ऊपर बैठ करके क्या हो रहा है? नशा भी वही हो रहा है, चेस भी वही बिक रही है, हीरोइन भी वही बिक रही है, अफीम भी वही बिक रही है, शिर्क भी वही हो रहा है, लोगैरुल्लाह को सजदा भी वही हो रहा है, और लोग उसको क्या समझ रहे हैं? अरे पता नहीं हम क्या करके आ गए। कभी उन्होंने अल्लाह की किताबें उठा करके देखो या उनके अहवाल पढ़ो, उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी गैरुल्लाह को सजदा किया? अगर सजदा जायज होता, जनाब भाई जो ऊपर बच्चे बात कर रहे हैं उनको मना कर दें, या जो खेल रहे हैं उनको बिठा दें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर गैरुल्लाह को सजदा जायज होता तो अल्लाह ताला बीवी को हुक्म दे दे कि वो अपने शौहर को सजदा करे। आज खुलेआम सजदा हो रहा है और लोग उसको क्या समझ रहे हैं? अरे हम तो सजदा करके आए, हम तो ज़ियारत करके आए। औलिया अल्लाह के कुबूर की ज़ियारत जायज है, बेहतर है, लेकिन वहाँ जाकर के जहाँ फिस्क व फुजूर हो रहा हो, जहाँ शिर्क किया जा रहा हो, वहाँ अगर दादा ने क्या फरमाया कि अगर नकीम उम्मत फरमाते थे कि अगर कि कहीं पर बारिश हो रही है तो फरमाया वहाँ नहाना क्या है,
बेहतर है। लेकिन फरमाया ओले पड़ने लगे तो वहां से भाग लो, ओले पड़ने लगे तो भाग लो, तो अली अल्लाह की खबर के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है। लेकिन अगर कुफ्र और शिर्क के वहां पर ओले पड़ने लगे तो फरमाया वहां से भाग लो, अपने ईमान को बचाओ। आज क्या ये चीज आम है, सजदा भी किया जा रहा है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न जिहाद है, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ क्या है, कब्र बनी हुई है, लोग चंदा जमा कर रहे हैं, लोग आकर सजदा कर रहे हैं, कोई तबर्रुक के तौर पर फूल उठा करके ले जा रहा है, कोई तबर्रुक के तौर पर वहां से कचरा उठा करके ले जा रहा है, कोई किसी चीज के लिए आ रहा है। अल्लाह के बंदो, आखिर कहां गई अकल, कहां है इंसान की? ये सारे वो मामले आप थे कि इंसान अल्लाह ताला से मांगता, जो चीज अल्लाह से मांगने की है वो खैरुल्लाह से मांग रहा है, कहां से पूरा होगा? तो बात चल रही थी कि इंसान हर वक्त अपने नफ्स की तरफ नजर रखे कि कहीं इसके अंदर कोई बुराई ना आ जाए। जब तक अपने नफ्स का इंसान मुहासबा नहीं करेगा उस वक्त तक, हदीस के पास में क्या आता है, अला इन फिल जसद मुद्गतुन, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोटा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर ये सही हो गया तो पूरा जिस्म तुम्हारा सही है, वह इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, अगर ये खराब हो गया तो तुम्हारा पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। खानखाहों के अंदर और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के जिस्म के ऊपर बाद में मेहनत की, पहले दिल के ऊपर मेहनत की, दावत थी। जब सहाबा आ गए ईमान के ऊपर तो फिर अल्लाह के पहले जाहिर के ऊपर अल्लाह के नबी ने मेहनत की कि सहाबा क्या करो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आज लोग क्या कहते हैं, मौलाना जाहिर से क्या होता है, जाहिर से क्या होता है, असल तो बातिन है, पहले बातिन बनना चाहिए फिर उसके बाद जाहिर बनेगा। दोस्तों जाहिर पहले बातिन नहीं बनता, पहले जाहिर बनता है। अगर अगर बातिन पहले बनना होता तो अल्लाह ताला कभी इरशाद ही ना फरमाते, रज़ारु ज़ाहिर इस्मी व बातिना, ये लोगों जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो। और तो अल्लाह ने बातिन को कहां फरमाया, दूसरे नंबर पर, और जाहिर को कहा रखा पहले नंबर के ऊपर। आज लोग क्या कहते हैं, नहीं मौलाना जाहिर की क्या हैसियत है, असल चीज तो बातिन है। दादा ने इरशाद फरमाया कि नहीं, जब हम भी कोई चीज लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उस चीज का जाहिर देखते हैं। पहले फरमाया देखो, अगर आप नौजवान किसी नौजवान की शादी हो तो मैं उसको बताया जाए कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता है, लड़की आंख से अंधी है, हाथ से लूली है, पांव से लंगड़ी है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है, तो फरमाया कोई नौजवान शादी करेगा? बोले भाई क्यों भाई, बातें अच्छा होना चाहिए, बातें अच्छा होना चाहिए, जाहिर की क्या अकीदत है। फिर फरमाया इसको भी छोड़ दो, फरमाया फल लेने के लिए जाते, फरमाया केला खरीदने के लिए गए, कितने का है, 50 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन, फरमाया उसको उठा करके देखते हो कि उस केले का छिलका सही है या नहीं, अगर केले का छिलका काला है तो उसको क्या करते हो, कहते हो ये नहीं चाहिए, दूसरा अच्छा वाला दे, वो कहता है नहीं नहीं इसका बातिन बहुत अच्छा है, ये अंदर से बहुत मीठा है, कहता है जिसका जाहिर खराब हो गया यकीनन उसका बातिन भी खराब है। लेते हैं आप लोगे भाई, क्यों नहीं लोगे, क्या कहोगे, जाहिर खराब है तो बातिन कैसे अच्छा होगा, पहले जाहिर बनेगा फिर बातिन बनेगा। आज उसका उलट मामला है, क्या कहते हैं जान छुड़ाने के लिए, नहीं मौलाना जाहिर की क्या चीज है, अरे बातिन बनना चाहिए इंसान का। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला के पास
सहाबा इकराम जब तशरीफ लाते कोई सवाल करने के लिए तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म नाजिल फरमाया 22वें पारे के अंदर, फइजा सअलतुमूहुन्न फसअलूहुन्न मिन वराई हिजाब। ए सहाबा, अगर तुम्हें किसी उम्मातुल मोमिनीन से कोई मसला पूछना हो तो तुम क्या करो, पर्दे के पीछे में पूछो। अब क्या मतलब, क्या नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा का दिल सही नहीं था? बोलो भाई, पाक साफ था या नहीं था? सहाबा से ज्यादा मुजक्का और मुसफ़ा और मुजल्ला कोई शख्सियत हो सकती है? क्योंकि बाजे ऐसे मसाइल थे, बाजे ऐसे जैसे हैज के मसाइल, तोहर के मसाइल, सहाबा ये पूछने के लिए अजवाज मुतारात के पास आते थे। अजवाज मुतारात हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जितनी अजवाज मुतारात थी वो बता देती थी उन मसलों को। लेकिन अल्लाह ताला फकीर हर एक को नहीं बनाते। ये फिका अल्लाह ताला हर एक को आता नहीं फरमाते भाई वो ऊपर का बल्ब बंद कर दे, जायद चल रहा है। इमाम है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, हजरत बैठे हुए थे, पर्दे से आई, आकर एक छुरी और एक सेब लेकर के आई, हजरत के सामने रख दिया। हजरत ने उस सेब को बीच में से काट दिया। उस औरत ने छुरी उठाई और सेब उठाया और चली गई। जो तलबा बैठे थे उन्होंने कहा, हजरत ये क्या मामला है? फरमाया, वो औरत सवाल लेकर के आई थी, मैंने जवाब दे दिया। वो औरत सवाल लेकर के आई थी, मैंने जवाब दे दिया। फरमाया, हजरत सवाल, एक लफ्ज भी उसने नहीं पूछा, एक लफ्ज उसने जबान से नहीं निकाला और एक लफ्ज आपने जवाब का नहीं कहा, तो सवाल और जवाब कहाँ से हो गया? फरमाया कि अल्लाह ताला फिकह जिसको अता फरमाते हैं, फकीह वाहिद नशत वाले शेखवान मिन अल्फ आबिद, एक फकीह 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है शैतान के ऊपर। फरमाया, वो औरत जो सेब लेकर आई थी सुर्ख रंग का, उसका मतलब था कि हजरत औरत दो हैजों के दरमियान में पाक कब होती है? मैंने दरमियान में से काट दिया कि दो खून के दरमियान जब सफेदी आ जाए तो पाक हो जाती है। दो खून के दरमियान जब सफेदी आ जाए तो औरत पाक हो जाती है। ना कोई सवाल, ना कोई लफ्ज निकला, ना कुछ हुआ, सवाल भी हो गया और जवाब भी हो गया। ये फकाहत किससे? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आज लोग क्या कहते हैं। अरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आता क्या था? अहनाफ का मसला क्या है? अहनाफ का मसला क्या है? कुल 17 हदीसें तो थी जिनसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तदलाल किया। कल नहीं बल्कि परसों एक आलिम आए, मौला इलियास घुम्मन, तो उन्होंने कहा कि मुझसे एक दफा एक गैर मुकल्लिम ने सवाल किया कि रफ़ा-ए-यदैन आप लोग क्यों नहीं करते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किया है। उन्होंने कहा कि रफ़ा-ए-यदैन साबित कितने सहाबा से? उन्होंने कहा 70 सहाबा से साबित है। फरमाया, अल्लाह के नबी के सहाबा कितने थे? कहा 1,24,000। फरमाया, एक काम कर, 70 तू रख ले, बकिया मेरे लिए छोड़ दे। 70 सहाबा तू रख ले, जो रफ़ा-ए-यदैन करते थे, जो नहीं करते थे वो मेरे लिए छोड़ दे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जो रुतबा अता फरमाया था, जो नजर अता फरमाई थी, जो दिल अता फरमाया था, उसको इंसान अगर चांद की तरफ थूकता है तो वो थूक क्या होता है? वापस अपने मुंह के ऊपर आ जाता है। लिहाजा किसी बुजुर्ग के ऊपर, किसी अल्लाह के वली के ऊपर कभी उंगली मत उठाओ, कभी उनके अमल के ऊपर ये मत कहो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या अमल, क्या पता कि
कि उनके सामने कौन सी दलील ऐसी हो जिससे उनका अमल जायज हो और हम बदगुमानी करके अपने गले को खुद ब खुद अपने गले में जहन्नम का फंदा बसा ले। इसीलिए बदगुमानी हराम है। इस्लाम के अंदर जो बदगुमानी हराम है इसीलिए हराम है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पास हो सकता है कोई दलील हो सकता है उसके पास कोई दलील हो, लिहाजा बदगुमानी ना करे। लेकिन अगर उसका अमल समझ में नहीं आया, हजरत हकीम उलमत हजरत थानी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाते थे, फरमाते थे मेरी खानकाह में सिर्फ दो किस्म के लोगों को फायदा होता है। नंबर एक, वो शख्स जिसका इल्म इतना हो कि मेरे हर अमल को अपने इल्म के मुताबिक वो मैच चल ले कि हजरत ने फला अमल जो किया है ये फला हदीस के अंदर मौजूद है, इसके मुताबिक अमल किया है, नंबर एक। नंबर दो, फरमाया या तो मेरे इश्क के अंदर पागल हो जाए, उसको ये पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि हजरत इसकी दलील क्या है, ये पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि हजरत इस चीज की दलील क्या है। फरमाया अगर इसके अलावा कोई तीसरा बंदा आया तो फरमाया मेरी खानकाह में उसको कभी फायदा नहीं होगा। अल्लाह वालों के पास जाए, तो क्या करे, अपने आप को उनके हवाले कर दे, अपने आप को उनके हवाले कर दे। मेरे शेख फरमाते थे अपने इल्म के ऊपर नाज मत करो, अपने आप को किसी अल्लाह वाले के हवाले कर दो। और फिर मिसाल दे देते हजरत अजीब, अल्लाह अकबर, हजरत फरमा देते कि आप कितने अरसे से, किसी की उम्र यहाँ 30 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है। हजरत फरमाते थे वो 60 साल से मस्जिद में जा रहा है और मस्जिद की मेहराब में एक तरफ अल्लाह जल्ल जलालहु लिखा है, दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। फरमाया 60 साल से देख रहे हो, कितने साल से, 60 साल से देख रहे हो। फरमाया एक शख्स आपके हाथ में कलम देता है कि जैसा ये लिखा है वैसा लिख दो, लिख सकते हैं, बोलो भाई, नहीं लिख सकते। फरमाया क्या करोगे, फरमाया अब वही शख्स क्या कहता है, चंद लम्हों के लिए अपना हाथ किसी कातिब के हाथ में दे दे, अपना हाथ किसी कातिब के हाथ में दे दे, चंद लम्हों के बाद क्या होगा, उसी उससे बेहतर लिखना आ जाएगा। फरमाया ये दूर की बात है, फरमाया मिठाई की दुकान पर जाओ, वहाँ जलेबी बन रही होती है, तो फरमाया कितनी टेढ़ी होती है जलेबी, कितनी टेढ़ी होती है, जो मिसाल दी जाती है कि माशाल्लाह आप तो जलेबी की तरह चीजें हैं। ये तो जमाने की मिसाल है। तो फरमाया कि क्या है, जलेबी कितनी टेढ़ी है, लेकिन फरमाया कोई आपके हाथ में दे दे कि जरा जलेबी बना करके दिखा दो, बना सकोगे, तो फरमाया एक जलेबी बगैर बनाने वाला किसी के हाथ में हाथ भी नहीं बन सकती, तो अल्लाह का नाम लेना किस तरीके से आ जाएगा। भाई लोग क्या क्या कहते हैं, हजरत हमने इतनी दफा वजीफा पढ़ लिया। फिरोज भाई एक दिन बयान कर रहे थे अभी कुछ आपसा कबल, तो फरमाया कि एक शख्स ने अपनी एक बीमारी का इलाज, फरमाया मैंने कितने लोगों को बताया, कितने लोगों को बताया और अल्हम्दुलिल्लाह सबको फायदा हुआ। फरमाया कि एक दिन मुझे भी वो बीमारी हो गई, फरमाया मैंने सोचा कि अपने दिल के अंदर कि जब मैं सबका इलाज इसी नुस्खे से करता हूँ तो अपना इलाज भी कर लूँ। फरमाया मैंने अपना इलाज शुरू कर दिया, फरमाया लेकिन मुझे कोई फायदा ना हुआ। फरमाया मैं सोचता रहा या अल्लाह इसी नुस्खे से मैं कितनों का इलाज कर चुका हूँ लेकिन मुझे खुद फायदा नहीं हो रहा। फरमाया एक दिन फिर मैं दादा के पास तशरीफ लाया, तो फरमाया कि हजरत मेरे अंदर ये आदत है, इसके लिए दुआ कर दीजिए। फरमाया जिस वक्त का, फरमाया उसके बाद इलाज हो गया, वो चीज मुझसे छूट गई। फिर समझ में आया कि दूसरे के लिए तो अपनी जबान फायदेमंद है लेकिन अपने हक में फायदेमंद नहीं है, अपने हक में अपने शेर से रुजू करो, बात वही होगी, बात वही होगी, लेकिन क्या होगा, तासीर तब्दील हो जाएगी।
बात वही होगी लेकिन तासीर तब्दील हो जाएगी। अपना इलाज खुद मत करो, डॉक्टर भी अगर बीमार हो जाता है क्या अपना इलाज खुद करता है? वो क्या कहता है, अरे फला डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ले आओ। अब उससे कोई ये कहे कि तूने तो पीएचडी भी किया हुआ है, अपना इलाज खुद क्यों नहीं करता? तो वो क्या कहेगा, डॉक्टर का इलाज डॉक्टर कर सकता है, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अपना इलाज इंसान खुद नहीं कर सकता, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देना पड़ता है। इसीलिए शाहनी का पुलपुल रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे, हकीम अख्तर, अल्लाह का रास्ता यूं तो बहुत आसान है, अल्लाह का रास्ता यूं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले का हाथ हाथ में आ जाए तो ये रास्ता न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी हो जाता है। फिर हजरत ये शेर पढ़ते थे, मुझे सहल हो गई मंजिले कि हवा के रुख भी बदल गए, मुझे सहल हो गई मंजिले कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो चिराग रा के जल गए। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या थे, पहले कितने शेखों से बैत हो चुके थे, लेकिन जब आखिरी शेख का इंतकाल हुआ तो हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब हुई और फरमाया, हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत मियां जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे जो सिर्फ हाफिज थे, झंझाना के रहने वाले थे, हजरत हाजी साहब का हाथ पकड़ करके हजरत मियां जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दे दिया। अब हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं सुबह उठा तो अजीब दिल परेशान कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ तो दिया है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि किसके हाथ में दिया है, इस शक्ल सूरत का आदमी मैंने देखा नहीं। तो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह भी थे तो दोनों ने क्या फैसला किया कि जब भी बैत होंगे एक ही शख्स से बैत होंगे, हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक दफा मालूम हुआ कि झंझाना के अंदर एक धोबियों का महल्ला है, वहां पर एक नियति साहब रहते हैं जो बहुत बड़े अल्लाह के वली है, फरमाया चलो जाकर उनकी ज्यारत कराओ। जब ज्यारत के लिए गए तो देखा ये वही शख्स है जिनके हाथ में नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजी साहब का हाथ दिया था। बस रोने लगे, वही अपना हाथ हाथ में दे दिया, वही अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, बैत हो गए। बैत होने के बाद फिर हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने किस मकाम पर पहुंचाया कि हजरत हकीम मुहम्मद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े उलमा हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जूती असीदी करते थे। किस लिए? इसलिए नहीं कि इल्म का बाहर थे, हजरत हकीम हजरत मुआक्कासिम साहब नानोसी रहमतुल्लाह अलैह से इस शख्स ने पूछा कि हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आप लोग क्या लेने जाते हैं, आलिम भी नहीं है? फरमाया आलिम तो नहीं है, अगर हाजी साहब को मसला पूछना होगा तो हाजी साहब हमारे पास आएंगे, लेकिन अगर हमें अपना दिल सही चलाना है, अपने दिल को सही करना है तो हमें हाजी साहब के पास जाना होगा, क्योंकि दिल ये किताब से सही नहीं होता, ये अल्लाह वालों की सोहबतों से सही होता है, अल्लाह वालों की सोहबतों में सही होता है, अल्लाह अल्लाह करने में सही होता है, मुजाहिदा इख्तियार करने में सही होता है। अब एक इंसान कहे मुझे मुजाहिदा करना ही नहीं है, मुझे मुजाहिदा इख्तियार ही नहीं करने, मुझे तो अल्लाह के रास्ते में कोई मुजाहिदा उठाना ही नहीं है, तो कहाँ से अल्लाह का रास्ता तय होगा? एक कोई जमाना था कि लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी तब जाकर के अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हुई, पूरी जिंदगी शेख के कदमों में गुजार दी, फिर उसके बाद जाकर अल्लाह की क्या मार्फत हासिल हुई। एक दफा हजरत मौलाना साहब अलहक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दादा को डांटा किसी बात के ऊपर, और बहुत ज्यादा डांटा, यहाँ तक के दादा रोने लगे। तो हजरत मौलाना साहब अलहक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया,
फरमाया कि तुम्हें इसलिए डांटा कि आज तुम अगर मेरी डांट बर्दाश्त करोगे तो कल लोग तुम्हारी डांट बर्दाश्त करेंगे, आज तुम मेरी डांट बर्दाश्त करोगे तो कल तुम्हारी लोग डांट बर्दाश्त करेंगे। और आज लोग किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग खुद आंखों से देख सकते हैं, किस तरीके से लोग एक नजर देखने के लिए कहां कहां से आते हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, किस लिए कि एक नजर देख ले। हालांकि दादा का कोई वाद नहीं होता, होता है कोई तकलीर नहीं होती, 10 साल से जबान बंद है, लेकिन फिर भी लोग कहां कहां से दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि अपने बड़ों की शहबत इख्तियार की, वहाँ मुजाहिदात इख्तियार किए, और जो मुजाहिदात इख्तियार किए हम उन मुजाहिदात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम उन मुजाहिदात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तब दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है, दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है, दिल आयना बनता है रगड़े जब लात खाता है दिल। तो अपने दिल को दिल बनाने के लिए क्या किया, अपना सब कुछ फिदा कर दिया। 17 साल जवानी के हजरत शाह अब्दुल गनी साहब पुटमुल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजार दिए, फिर भी खिलाफत नहीं मिले और न कभी खिलाफत की तमन्ना की। आज लोग क्या चाहते हैं, हम जाए जाकर के बैठ हो और बैठ होने के बाद बस हमें खिलाफत मिल जाए, खिलाफत नहीं दी हजरत शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। खिलाफत किससे मिली, हजरत मुआशाबाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह साहब ने खिलाफत नहीं दी इस तरह को। हालांकि 17 साल रहे और फरमाया कि मैं जो मुजाहिदात मैंने आजाद क्या उठाए, यहाँ तक के हजरत के कान यहाँ पे भरे गए कि हजरत ने दादा को खानकाह से निकाल दिया और फरमाया खानकाह के अंदर आने की इजाजत नहीं है। बात लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह अगले जुम्मे इस वाक्य को पूरा करूंगा, अभी पूरी कर। निकाल दिया, फरमाया कि मैं बाहर बैठ कर के रोता रहता था कि अल्लाह मेरे शेख के दिल को मेरे लिए नरम कर दे। और फरमाया हजरत ने कितनी इजाजत दी थी कि जहाँ लोग जूते उतारते हैं वहाँ आकर के तुम बैठकर मेरी मजलिस सुन सकते हो, और फरमाया 3 महीने के बाद सिर्फ सलाम करने की इजाजत थी, मजलिस आने की इजाजत नहीं थी। 3 महीने के बाद फिर फरमाया 3 महीने के बाद फिर मजलिस के अंदर आने की इजाजत मिली। आज इतने नाज और नखरे कौन बर्दाश्त करता है, कहते हैं अरे बहुत अल्लाह वाले हैं, किसी और के पास चले जाएंगे, क्या हो गया, अगर नहीं हुआ आपने डांटा क्यों डांटा, बहुत अल्लाह वाले हैं किसी और के पास चले जाएंगे। दोस्तों इतनी आसानी से अल्लाह ताला की इज़ाज़त नहीं मिलती, इतनी आसानी से नहीं मिलती। कितने नाज़ो नखरे बर्दाश्त किए, कितनी मोहब्बत की कि पानी लाते थे कितनी कई मील दूर जा करके हजरत के लिए पानी लाते थे, और शेख भी कैसे मिले थे कि हजरत शेख हजरत शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुर रहमतुल्लाह अलैह दादा फरमाते कि हजरत के अंदर अल्लाह ताला के इश्क की वो आग भरी हुई थी कि फरमाया फिजा के अंदर अल्लाह का नाम लिखते रहते थे, फिजा में अल्लाह का नाम लिखते रहते थे। अल्लाह ने वो मोहब्बत और वो मार्फत अता फरमाई थी। और मैंने हजरत की मस्जिद देखी जिसके अंदर हजरत शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुर रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे, उस मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही इंसान खुद ब खुद रोना शुरू हो जाता है। हजरत की तजल्लियात, हजरत के अनवारात, हजरत ने जो अल्लाह अल्लाह किया है वो अल्लाह के नाम की बरकत, वो आज भी उस मस्जिद के अंदर मौजूद है। मैं तो एक दफा गया, दादा ने तो 17 साल गुजार दिए वहां, लेकिन कभी ये तमन्ना नहीं की कि हजरत मुझे खिलाफत दे दे, ये तमन्ना की हजरत मुझे अपने आप से चिपका करके रखे, कहीं मुझे आप अपने से दूर ना कर दें। तो अल्लाह वालों से क्या तमन्ना रखे कि हजरत मुझे अपने आप से चिपका करके रखे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई ऐसा अमल हो जाए कि जिससे मेरे शेख के दिल में मेरे लिए खुदूरत पैदा हो जाए। जब हजरत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास दादा जाया करते थे
تو فرمایا کرتے تھے فرمایا کہ میں یہ دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ شاہ عبد القادر صاحب حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر کے نکلے جامع مسجد فتح پوری دلی سے تو ایک کتے کے اوپر نظر پڑ گئی تو وہ کتا تمام دہلی کے کتوں کا سردار بن گیا تو فرمایا کہ میں یہ دعا کر کے نکلتا ہوں کہ اللہ میں انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں میرے صحت کی ایک نظر جو شاہ عبد القادر صاحب نے ایک کتے کے اوپر ڈالی تھی یا اللہ ناجیز کے اوپر بھی ویسی ایک نظر ڈلوا دیجئے جو شاہ عبد القادر صاحب نے ایک کتے کے اوپر ڈالی تھی آج اس نظر کا کمال دیکھیے اس نظر کا درجہ دیکھیے کہ زبان بند ہے بول نہیں سکتے ذوق اتنا ہے کہ سلام نہیں کر سکتے لیکن لوگ کہاں کہاں سے پروانے آ رہے ہیں جب دادا کی طبیعت تھی تو کیا فرماتے تھے فرماتے تھے کہ یا اللہ اس کائنات کے اندر جتنے لوگوں کو مجھ سے استفادہ اور مجھ سے فائدہ ہونے والا ہو یا اللہ یا تو مجھے ان تک پہنچا دے یا مجھ کو ان تک پہنچا دے یا ان کو مجھ تک پہنچا دے اور جس کو مجھ سے فائدہ نہ ہونا ہو یا اللہ اس کو جس سے فائدہ ہونا ہو اس کے پاس پہنچا دے. آج جن کو فائدہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا یہاں پر جن کو فائدہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا. دوستوں یہ بیٹھنا بیکار نہیں ہے یہاں پر یہ آنا جانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے یہ آنا جانا ایک دن انشاءاللہ چارانہ ہوگا اور جس دن چارانہ ہوگا اور اللہ کا تعلق عطا ہوگا پھر اس دن کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا. اللہ والے معمولی چیز نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبتوں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ چپکنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اس طریقے سے اپنے شیخ سے چپک جاؤ جس طریقے سے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے چپکا ہوتا ہے فرمایا اس طریقے سے چپک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چپکنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ساری دنیا مل کر کے چھڑانا چاہے تو ہمیں نہ چھڑا سکے اور اللہ تعالیٰ اپنی نسبت ہمیں اپنے مشائخ کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت اولیاء صدیقین کے خط منتہا تک پہنچائے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ عطا فرمائے میدان محشر میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے اور قیامت میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے کان کا آپریشن ہے میرا بھائی فرقان بول نہیں سکتا دماغی توازن صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مکمل شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری اہلیہ ابو ظہبی میں شدید اذیتناک تکلیف میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے بھائی کے بیٹے اور ہم سب کی ہدایت کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری چار بیٹیوں کے نیک رشتوں کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجھے میرے دادا کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے ساتھ چپکنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ نعمت لاجواب جو تو نے ہمیں عطا فرمائی اس کے قدر کی توفیق عطا فرما. ہمیں محروم نہ فرما ہمارے گناہوں سے, ہمیں بدبخت نہ فرما, ہمیں شقی نہ فرما. یا اللہ ہماری ثقافت کو ہماری سعادت سے تبدیل فرما, ہماری بدبختی کو نئی بختی سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے بزرگوں کی اپنے اولیاء اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, ان کے ساتھ مر مٹی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. یا اللہ تو ہمیں جس طرح دیکھنا چاہتا ہے یا اللہ اس قابل ہمیں بنا دے. یا اللہ جب تو ہمیں اولیاء اللہ عطا فرمائے تو یا اللہ تو یقیناً یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی تیرے ولی بن جائیں, لیکن یا اللہ ہمارے راستے کے اندر یہ نفس و شیطان جو حائل ہے یا اللہ ان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا, اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جس طریقے سے تو ہمیں چاہتا ہے یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو بنا. یا اللہ ہمارے
اپنی دعاؤں کو قبول فرما. یہاں جتنے حاضرین و حاضرات و غائبین و غائبات اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے, یا اللہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو, یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ میرے دادا کے فیض سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ ہر ایک کو مستفید فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت اور نصیب فرما. یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ اس وقت جو ملک پاکستان کے اندر یا اللہ یہودیوں کا جو غلبہ ہے, یا اللہ اس غلبے کو توڑ دے. یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما. یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما. یا اللہ ہماری حالت اس قابل نہیں, ہم ہزاروں گناہوں کے اندر مبتلا ہے. یا اللہ یہ ہمارے اعمال ادب کا یہ نتیجہ ہے یا اللہ, لیکن اگر تم نے رحم نہ کیا تو یا اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما. یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما. یہ کفر کی ذلت یا اللہ اس رسوائی کو ہمارے اوپر سے مٹا دے. یا اللہ اس رسوائی کو ہمارے اوپر سے مٹا دے. اور یا اللہ جو کفر کے خلاف برسرے پیکار ہیں, یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما. یا اللہ تو نے بدر احد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی. یا اللہ پھر سے جبرائیل امین کو عطا نازل فرما. اور یا اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما, استقامت نصیب فرما. یا اللہ ان بدبخت حکمرانوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ اولاً ان کو ہدایت عطا فرما, لیکن اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ انہوں نے جو ظلم کیا, یا اللہ ان کے ظلم کی کشتی میں انہیں کو ڈبو دے. یا اللہ یہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما, سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما. مسلمانوں کو قوت و غلبہ, شان و شوکت عطا فرما. یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا اور نامراد فرما. یا اللہ ان خبیثوں کے سازشوں کے تاج پہ آگ لگا. ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما جو اسلام کے نام پر بنا, اس کو استحکام نصیب فرما. یہاں کی معیشت میں, زراعت میں, ہر چیز میں برکت عطا فرما. دفاعی قوت میں برکت عطا فرما. یہاں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما. شریعت مطہرہ عطا فرما. شریعت مطہرہ کا نظام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله میرے دادا کو, میرے والد صاحب کو, میری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے انتظام فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.